दर्जनों एम्बुलेंसेज की ये तस्वीरें इस देश के हुक्मरानों की ओर से हो रहे कत्लेआम की गवाही देती हैं। ये सरकारी नरसंहार नहीं तो और क्या है, जब देश में लाखों लोग बुनियादी सुविधाओं के लिए मारे मारे फिर रहे हैं, तब जनता के टैक्स से खरीदी गई ये 75 एम्बुलेंसेज बीजेपी नेता के दफ्तर में धूल खा रही हैं। ये तस्वीरें इस बात का सबूत हैं कि कैसे सत्ताधारी बीजेपी ने लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया है। ये तस्वीरें बिहार के छपरा जिले के अमनौर से आई हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव प्रताप रूडी के अमनौर दफ्तर में एक दो नहीं बल्कि पूरी 75 एम्बुलेंसेज सड़ रही हैं। लेकिन मजाल की वो अपने इलाके की बेहाल जनता की मदद के लिए इन एम्बुलेंसेज को भेज दें। कोई इतना निष्ठुर कैसे हो सकता है, कोई कैसे लोगों को मरते हुए देख कर भी अपने घर में पड़ी मदद नहीं भेज रहा। बीजेपी नेता राजीव प्रताप रूडी ने न सिर्फ इंसानियत को शर्मसार किया है बल्कि ये मानवता के खिलाफ अपराध है। बीजेपी की इस भयंकर घपलेबाजी और लापरवाही की पोल जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष पप्पू यादव ने खोल दी। पप्पू यादव राजीव प्रताप रूडी के दफ्तर पहुंच गए और 75 एम्बुलेंसेस को यूं पड़े देख कर हैरान रह गए। खोलो खोलो, यहाँ से 22,000 रुपया लेता। वीडियो बनाइएगा तो हमको पप्पू यादव ने ट्विटर पर लिखा, बीजेपी के पूर्व केंद्रीय मंत्री राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव प्रताप रूडी जी के अमनौर स्थित कार्यालय परिसर में दर्जनों एम्बुलेंसेस बरामद। सांसद विकास निधि से खरीदे गए एम्बुलेंस किसके निर्देश पर यहाँ छिपा कर रखे गए हैं, इसकी जांच हो। सारण डीएम सिविल सर्जन ये बताएं, बीजेपी जवाब दे। लेकिन बीजेपी नेता राजीव प्रताप रूडी ने जवाब देने की बजाय उल्टे पप्पू यादव पर ही घटिया राजनीति करने का आरोप लगा दिया। रूडी ने पप्पू यादव को चैलेंज दिया कि कोरोना काल में ड्राइवर लाकर दीजिए, मतलब ये बेशर्मी की हद नहीं तो और क्या है। सरकार में रूडी की पार्टी है, केंद्र में उनकी पार्टी के प्रधानमंत्री हैं, बिहार में उनकी पार्टी सत्ता में साझेदार है, उनकी पार्टी के दो दो डिप्टी सीएम हैं, लेकिन एम्बुलेंस चलाने के लिए ड्राइवर पप्पू यादव लाकर देंगे। पिछले एक साल में आप ड्राइवर तक नहीं ढूंढ पाए। रूडी साहब, कुछ तो शर्म आनी चाहिए आपको। इतने मुश्किल दौर में भी इतने घटिया लेवल की राजनीति कैसे कर लेते हो आप लोग। आपकी पार्टी का प्रधानमंत्री लाशों के ढेर पर 20,000 करोड़ खर्च कर अपना महल बना रहा है और आप जनता के पैसे से खरीदी गई 75 एम्बुलेंसेज को यूं बेकार कर रहे हैं। ये देश का दुर्भाग्य है कि आप जैसे नेता इस देश को चला रहे हैं। आपका इस बारे में क्या कहना है, कमेंट के जरिए जरूर बताएं और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। साथियों, आप अपना ख्याल रखें, क्योंकि सरकार को आपका ख्याल कितना है वो इस वीडियो को देखकर आप समझ सकते हैं।